देशों का, दूसरे देश के जो व्यक्ति थे हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आकर के अपने देश में बस करके और अपने देश के बारे में यहाँ से जानकारी इकट्ठा किए हैं, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक बुक भी लिखे हैं, बुक में निचोड़ भी अपना डाले हैं कि उस बुक में हमने आया यहाँ पे इंडिया में आया, इंडिया में उस समय का कौन सा शासक शासन करता था उसकी जानकारी अपने बुक में डाले हैं। बुक भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि इतिहास की जानकारी समझ में आ गया। इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। ये सब चीज शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को एक वहाँ पे एडी उसका लिखा हुआ है। एडी मतलब कितना से कितना साल, देखिए ना बुक रखिएगा सामने में, इसमें लिखा हुआ वो नहीं याद करना है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला नंबर बात हो गया कि तीन भागों में बांटने का काम किया सिलियरस। अब देखिए इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको मेन जो है तीन चार को पॉइंट है इसका, कि तीन चार को पॉइंट से इतिहास के बारे में जानकारी होता है। तो क्या है, तो सबसे पहले वहां